देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में घना कोहरा आज और कल, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। गैर कानूनी फतवों पर दारुल उलूम देवबंद पोर्टल की जांच करे यूपी सरकार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का निर्देश। कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन, दिल का दौरा पड़ने के बाद 83 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। दावोस सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी, वैश्विक मंच से साझा करेंगे अपने विचार। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, एमपी सरकार ने दायर की है याचिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में कोविड अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला, सपा ने विधायक योगेश वर्मा को दिया टिकट। तेईस जनवरी से उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं अमित शाह, करेंगे कई जनसभाएं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 150 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। उन्नाव में राज्य सरकार के दिए 19 टैबलेट निकले खराब, बच्चों ने शिक्षा अधिकारी से की शिकायत। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 का बड़ा खुलासा, चीन ने सांसदों को दी रिश्वत, संसद तक में घुसपैठ। पाक वैज्ञानिक की रिहाई की मांग करने वाला यूके नागरिक मुठभेड़ में ढेर। उत्तर कोरिया ने जापान सागर की तरफ से दागी बैलिस्टिक मिसाइल, इस महीने चौथा लॉन्च, जापान ने कहा तैयार रहे। टोंगा में समुद्र के नीचे फटा ज्वालामुखी, अमेरिका जापान में सुनामी का खतरा मंडराया। पाकिस्तान में विपक्ष ही नहीं अपने भी बढ़ा रहे हैं इमरान की मुश्किल, पिछले दिनों सत्तारूढ़ दल की ओर से सरकार पर हुए लगातार हमले। ऑस्ट्रेलिया का एशेज पर 4-0 से कब्जा, ट्रेविस हेड बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। आयरलैंड ने किया बड़ा उलटफेर, पहली बार वेस्टइंडीज से उसी के घर में जीती वनडे सीरीज। विराट कोहली का दो टीमों के खिलाफ जीत का प्रदर्शित है सबसे शानदार, ऑस्ट्रेलिया बनी सिरदर्द। हार के बाद भावुक हो जाते थे विराट, अनुष्का ने कई बार देखे आंसू, एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। वनडे से पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान ने भरी हुंकार, बोले प्रदर्शन से लोगों को गलत साबित किया। रसिका दुग्गल है ओटीटी प्लेटफॉर्म की क्वीन, बेहतरीन एक्टिंग से बटोरी तारीफ। पुणे पुलिस के कोविड-19 जागरूकता अभियान से प्रभावित हुई करीना कपूर खान। लता मंगेशकर के लिए शुरू हुई भगवान शिव की पूरा, दिग्गज गायिका अभी तक है आईसीयू में भर्ती।
अनुराग कश्यप नहीं बना रहे हैं सेकेंड गेम थ्री फेक कास्टिंग कॉल का किया खुलासा। मिसेज इंडिया नवदीप कौर ने जीता बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब। कुंडलिनी चक्र से प्रेरित ड्रेस ने ढाया कहर। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।